नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा। 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और तमाम तरह के कयास आरजेडी के उम्मीदवार को लेकर लगाया जा रहा था। कल लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने लगभग उम्मीदवार के नाम तय कर दिए हैं। एक सीट पर तो पहले से ही मीसा भारती की चर्चा चल रहा था कि दोबारा आरजेडी उन्हें राज्यसभा भेजेगी और दूसरा सीट पर कयास लगाया जा रहा था। अब ये कयासों का जब बाजार है वो खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि दूसरे सीट पर आरजेडी फैजल अहमद को टिकट देने जा रही है। इस पर मुहर लगभग तय हो चुका है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि फैजल अहमद को आरजेडी राज्यसभा भेजेगी। बिहार की राजनीतिक गलियारों से ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आरजेडी ने दोनों उम्मीदवार के नाम लगभग तय कर लिए हैं। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम है, तो वही दूसरा नाम राजद के पूर्व विधायक फयाज अहमद का नाम सामने आया है। फिलहाल आरजेडी के तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन दोनों को राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। बुधवार को पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले राज्यसभा के उम्मीदवारों को नाम फाइनल किया। एक नाम तो मीसा भारती का था और दूसरा फयाज अहमद का तय हुआ है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फयाज और मीसा भारती नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बुधवार की देर शाम पटना पहुंचते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राज्यसभा के लिए टिकट के कई दावेदारों ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी, लेकिन तमाम लोगों की उम्मीदवारी के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फयाज का नाम फाइनल किया है। आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक फयाज अहमद जो मिथिलांचल के रहने वाले हैं उसे राजद ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। राजद के फयाज अहमद 2015 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार विधायक बन चुके थे। 2010 के चुनाव में सीट पर फयाज अहमद ने हनीभूषण ठाकुर को पराजित किया था। फयाज आर्थिक रूप से काफी मजबूत है। फयाज कॉलेज के संचालक है जो राजद कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। जिस तरह जदयू के अनिल हेगड़े का नाम पर कोई विरोध नहीं हुआ, उसी तरह राजद में फयाज अहमद का भी कोई विरोध की गुंजाइश नहीं है। राजद उसे राज्यसभा भेजकर मुसलमानों के बीच मैसेज देना चाहती है। तो कल 11 बजे ये अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि 11:30 बजे राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि फयाज अहमद को आरजेडी अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाने जा रही है। अब आपको बता दें कि पहले से मीसा भारती को लेकर ये चर्चा तेज थी कि आरजेडी मीसा भारती को एक बार फिर से लोकसभा भेजेगी। अब इस नाम पर भी मोहर लग चुका है। आरजेडी दोबारा से मीसा भारती को राज्यसभा भेज रही है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।